नगरपालिका द्वारा हाउसिंग सोसाइटी पर थोपा गया कचरे से कंपोस्ट बनाने का निर्देश मुसीबत बनने लगा है। हालत ये है कि सोसाइटी मशीन और कामगारों का खर्च उठाने में फेल हो रही है। इसे लेकर आज बीजेपी युवती मोर्चा जिला अध्यक्ष सुहासिनी नायडू ने मनपा आयुक्त से मुलाकात की और सोसाइटी पर थोपे गए इस काम को लेकर महानगरपालिका द्वारा कराए जाने की मांग की। देखे रिपोर्ट। महापालिकेचं जे एक्सपेन्सेसचं बर्डन आहे ते सोसायटीवर टाकताय। आप लोग हमारा कचरा लेके जाओ, आपको डीजल डिकम्पोज करना है, आप करो, आपके पास बहुत जगह है, आपके पास बहुत फंड है, आप डरिए हमारे पर मत डालिए प्लीज। नवी मुंबई महानगर पालिका ने स्वच्छता मिशन को सफल बनाने, हाउसिंग सोसाइटियों के लिए घन कचरा जमा करने और उससे खाद बनाने का काम अनिवार्य कर दिया है। हालांकि आर्थिक क्षमता की कमी और सेग्रीगेशन का खर्च उठाने में असमर्थ होने से कई सोसाइटियों के लिए घन कचरा व्यवस्थापन बड़ी मुसीबत बन रही है। सिरौने की कई सोसाइटियां इसका सबूत हैं, जिन्होंने मनपा आयुक्त से ऐसे उपक्रम बंद करने की मांग की है। इसे लेकर आज बीजेपी युवती मोर्चा की जिलाध्यक्षा सुहासिनी नायडू ने आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और सोसाइटियों पर थोपे गए फरमान को रद्द करने की मांग की। सुहासिनी नायडू ने कहा कि घन कचरा से कंपोस्ट बनाने के लिए 2.5 से 3 लाख की मशीन लगती है, सेग्रीगेशन करने वाले कामगार को हर महीने 8 से 10 हज़ार पगार देनी पड़ती है, जो कई सोसाइटियों के लिए मुश्किल भरा है। उन्होंने मनपा आयुक्त को खाली भूखंडों पर खुद ऐसा उपक्रम चलाने का सुझाव दिया ताकि स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलता रहे। आज वर्षभर झालेलं आहे माझं कचरा माझी जबाबदारी, ह्याचं अंतर्गत आपल्या महानगरपालिकातर्फे म्हणजे ऑफिसर्स येत आहेत आणि आपल्याला म्हणजे नोटीस दिले गेलेले की तुम्हाला आपल्या जे कचरा आहेत ते आपल्या सोसायटीमध्ये डिकम्पोज करायचं, जे वेट वेस्ट येतं आणि त्याचं फर्टिलायझर बनून आपल्याला म्हणजे आपल्या जे कचरा आहे आपल्या सोसायटीमध्ये डिकम्पोज करायचं, असं ह्यांची संकल्पना जे महानगरपालिकाची चाललेली आहे। जेव्हा सोसायटीमध्ये आम्ही मीटिंग घेतो तर पहिलं तरी स्पेसचा प्रॉब्लेम आहे आणि लोक विरोध करतात की आमच्या घरासमोर नाही पाहिजे कारण की त्याचा वास येणार, बऱ्याच काही प्रॉब्लेम आहे जे आमच्या सोसायटीचं नागरिकांना निर्माण होत आहे। आणि सेकंड पॉईंट आहे की सगळ्यांचा बजेटही कुठेतरी आपल्याला डिस्टर्ब होत आहे। बजेट म्हणजे कसं, आपल्या सोसायटीचं अगर आपण ते मशीन घेतो आहे त्याची पण कॉस्टिंग कमी कमी 2 ते 3 लाखाचं कॉस्टिंग आहे आणि तेही आम्ही बेअर करायचं आणि मग त्यांना जे आपण मुक्त जे कचरामुक्त संघटना आहे त्यांना आपण हायर करतो, त्यांना 8,000 रुपये आपण सॅलरी द्यायचं। आणि हे जे तुमची एक्सपेन्सेस आहे तुम्ही आमच्यावर थोपतायत ना, हा खूप चुकीचा आहे। आता आम्ही कंपोस्टिंगचं ते बिन बनवायचं त्याचा खर्च आम्ही करायचं आणि त्यात माणसं ठेवायचं, ते जे मॅनपॉवर आहे त्याचा खर्च आम्ही करायचं, मग वाय शुड वी पे द टॅक्स। वही सोसायटी प्रतिनिधियों ने भी कंपोस्ट बनाने की इस जिम्मेदारी को अव्यवहारिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी सोसाइटियों पर सौंप कर अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिससे कंपोस्ट बनाने का मिशन फेल हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयुक्त ने जिस तरह भरोसा दिलाया है उससे निश्चित तौर पर समाधान निकलना चाहिए। कि जब हम टैक्स पे करते हैं तो सारी सिरदर्दी हम क्यों ले, स्वच्छता अभियान में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं लेकिन स्वच्छ रखना नगर पालिका को या फिर नवी मुंबई को नंबर 1 बनाना है तो पब्लिक तो कचरा नहीं फेंक रही ना बाहर, कचरा ले जाने भर का आपको काम है। इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर आप हर सोसाइटी में कंपोस्ट पिट लगाएंगे तो जो महानगर पालिका में जो काम करते हैं उनका क्या हो। वो कचरा लेके जाना सोसाइटी में प्रॉब्लम है लोगों का भी, ऐसा भी कोरोना में जो भी अभी मैडम आता है इसने बहुत प्रॉब्लम में पड़ा है। और काम करने वाला ऑफिस में जाता है सुबह जाता है, उसको इतना टाइम भी नहीं है उसको जो कंपोस्ट करने का, उसको लेके जाना है खुद को, इसके लिए महानगर पालिका उसको सुविधा करके देना जरूरी है। हम लोग कचरा बनवा की जबाबदारी सोसायटीवर टाकते हैं, त्याच्यामध्ये त्यांचा बर्डन जे आहे महापालिकेचं जे एक्सपेन्सेसचं बर्डन आहे ते सोसायटीवर टाकत आहे। असं केलं तरी म्हणजे 2 लाख रुपये खर्च आहे ते पीठ बसवायचं आणि एव्हरी मंथ परत 10,000 रुपीज ते रिकरिंग एक्सपेन्सेस आहेत, त्या बाबतीत म्हणजे महा
बार महानगर पालिका ने स्वतः करावे। हमारी सोसाइटी भी बहुत छोटी है, कचरे की बनाने की जगह ही नहीं है, और जो महानगर पालिका पहले कचरा जैसे लेके जाती थी वैसे लेके जाए, बहुत पब्लिक के ऊपर इतना बर्डन है आजकल के लोगों के पास, काम धंधा नहीं कुछ नहीं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और कचरे का बहुत तकलीफ है सबको लेके जाने की, और लोगों के पास फंड नहीं है, हमारी सोसाइटी के पास तो बिल्कुल ही फंड नहीं है, कंपोस्ट बनाने की जगह भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।